हिंदुवादी नेता सिमरन गुप्ता ने संभल में विवादित बयान दिया है। उन्होंने यूपी के नेता की कुत्ते से तुलना की तथा नेता और कुत्ते को बराबर बता डाला। सिमरन गुप्ता संभल के गुन्नौर में जल प्रदूषण की जांच के लिए एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां उन्होंने यारा फर्टिलाइजर कंपनी पर जल प्रदूषित करने का आरोप लगाते हुए सरकार पर तंज किया। वही कहा कि यदि डीएम एसडीएम नहीं सुनते तो सभी को एनजीटी की अदालत में खड़ा करूंगा। बबराला संभल मेरा क्षेत्र है। इस दौरान सवालों के जवाब में उन्होंने यूपी के नेता और कुत्ते को बराबर बताकर विवादित बयान दिया है। और क्या क्या कहा हिंदुवादी नेता ने देखे इस रिपोर्ट में। मेरा नाम सिमरन गुप्ता है। अच्छा, जैसे अभी आपने उप जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, क्या जानकारी है? ये यारा फर्टिलाइजर है, जो कि पहले टाटा फर्टिलाइजर थी। जब टाटा फर्टिलाइजर फैक्ट्री यहाँ पर बनी थी तो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का एक जियो एग्रीमेंट सबमिट साइन हुआ था कि जो पानी यूज करेंगे वो गंगा का पानी यूज करेंगे, उसे ईटीपी प्लांट लगा के साफ करके नहर में छोड़ेंगे। जो कि जियो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी टोटल अवहेलना की गई है, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की गई है। उसके गंदे पानी से गाँव के करीब 20 से 25 लोगों में कैंसर की बीमारी जैसी भयंकर बीमारी फैल रही है। काफ़ी लोग मर चुके हैं। काफ़ी शिकायत होने के बाद भी यहाँ के भ्रष्ट सरकार के जो अफसर हैं डीएम एसडीएम, उनके कानों पर जूं तक नहीं रहती। मैंने आज फोन किया है, अगर 90 डेज के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम साहब को और एसडीएम साहब को और चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बना के दिल्ली के एनजीटी कोर्ट में खड़ा करूँगा, जैसे पियोन खड़े होते हैं। जैसा आपने बताया कि जो कैंसर से बीमारी से हैं, जो बीमारी फैल रही है इस पानी से पीने से, तो ये बहुत दिनों से और कई बार ये मुद्दा किसान यूनियन ने भी उठाया था, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने भी उठाया था, लेकिन अभी तक तो इस पर कुछ हुआ नहीं। आपको लगता है कि अब इसमें कुछ होगा? अगर देखो, आपने कहा नहीं हो सकता, करने को बहुत सारे काम हो सकते हैं। यूपी के नेताओं की याद है, गली का कुत्ता और नेता दोनों बराबर हैं। कुत्ता भौंके बोल जाता है और नेता वायदे करके बोल जाता है। यहाँ के लोगों को नेताओं ने इतना गुमराह किया है, किसानों को इतना गुमराह किया है, बहुत ज़्यादा किसानों को और यहाँ के युवाओं को नेता लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई उनकी यूज़ करने वाली मशीन हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि मुझे ज़्यादा नहीं, हर गांव से 5 लड़के चाहिए मेरे जैसे। मैं बबराला का हूँ, मेरी बबराला जन्मभूमि है, संभल जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि को संभालने के लिए मैं किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हूँ। और ये भी वॉर्न करना चाह रहा हूँ उन अफसरों को कि अगर इस केस में 90 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो कितने लोगों को सस्पेंड कराऊंगा और जेल भिजवाऊंगा, ये पता नहीं, वो खुद जानते होंगे। थैंक यू।